ईयर 1852। उस वक्त सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया सर एंड्रू वॉक अपने कमरे में बैठकर कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे। अचानक उनके कमरे में एक ऑफिसर भागते हुए आए और उन्होंने कहा, सर, आई हैव फाउंड द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। और वो ऑफिसर थे राधानाथ सिकदार। इनकी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, सन 1802 में। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में कई जगहों पर जमीन खरीद रही थी और हर जमीन को वो मैप बनाना चाहते थे कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदियां हैं, कहाँ जंगल है। और ये काम कर रहे थे कर्नल विलियम लैम्पटन। उन्होंने जो सर्वे स्टार्ट किया, इसका नाम था ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे या GTS। कर्नल लैम्पटन के बाद इस सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ने इस काम को अपने हाथ में ले लिया और उसके जो प्रधान थे उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट को बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन की तलाश थी, तो वो कैलकटा गए और वहां के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जाकर प्रोफेसर जॉन टाइटलर से पूछा, आपका सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है? और एक मिनट टाइम भी नहीं लगा, प्रोफेसर टाइटलर ने बोला, राधानाथ सिकदार। 19 साल के राधानाथ सिकदार थे, उनको तभी नौकरी मिल गई ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे में, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया में, और उनकी महीने की तनख्वाह थी 30 रुपए और उनको टाइटल दिया गया कंप्यूटर। अब इसको समझते हैं, उन दिनों कंप्यूटर तो था नहीं, पर कंप्यूटर का जो काम है कंप्यूट करना वो तो ह्यूमन बीइंग से करते थे, और जो बहुत ही मैथमेटिक्स में स्पेशलाइज थे उनको इस काम के लिए लिया जाता था और उनका टाइटल होता था कंप्यूटर। तो राधानाथ जी को भेजा गया देहरादून के पास, और वहां पे जो उत्तरांचल एरिया में जितने पहाड़े वगैरह थी उस एरिया का मैपिंग करने के लिए। और इसके लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला। आप तो जानते ही हो पृथ्वी गोलाकार है, और जब लाइट आती है बाहर से, तब जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो इन चीजों को ख्याल रखते हुए विजुअली जब हम किसी माउंटेन का हाइट मेजर करते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला जरूरत होती है, और सर राधानाथ सिकदार ने इस फॉर्मूला को बनाया। सर जॉर्ज एवरेस्ट के बाद सर एंड्रू वॉक बने सर्वेयर जनरल इंडिया के चीफ, और उन्होंने राधानाथ सिकदार को कैलकटा भेजा और उनसे कहा कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट में जितनी पहाड़ियां दिख रही हैं, हिमालयन रेंज दिख रहे हैं, इनके जो पीक्स हैं, इनको हम नाम देंगे, इनकी हाइट कैलकुलेट करेंगे, इसकी पोजीशन ठीक करेंगे, ये काम आपका है। तो बिहार के तटभूमियों से जो पहाड़ की रेंजेस दिखती थी, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जो रेंजेस दिखती थी, दार्जिलिंग से जो रेंजेस दिखती थी, श्री राधानाथ सिकदार और सर एंड्रू वॉक इस पर काम करने लगे। और 1947 में उन्होंने कंचनजंगा पीक की हाइट कैलकुलेट की, विच वॉज अबाउट 28,000 फीट, और तब लगा, विश्व भर को लगा कि यही दुनिया की सबसे ऊंची पीक है। पर उसके पीछे एक और पीक दिख रही थी जिसको नाम दिया गया था हिमालयन पीक 15। इसको अभी तक कोई, इसकी मेजरमेंट नहीं हो पाई थी। श्री राधानाथ सिकदार इस पर काम करने लगे और उन्होंने भारत, नेपाल, तिब्बत के 6 अलग-अलग स्थान से उन्होंने इसकी मेजरमेंट ली, इनकी हाइट कैलकुलेट की, और फिर इन सब पर फॉर्मूला लगाकर उन्होंने जो कैलकुलेट किया उसका था 29,002 फीट। इसलिए 1852 के उस दिन वो भागते हुए सर एंड्रू वॉक के कमरे में गए और बोले, सर, आई हैव फाउंड द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। राधानाथ सिकदार जी कभी पहाड़ पे चढ़े नहीं थे और ना ही वो माउंटेनियर थे। ये केवल उन्होंने फिजिक्स लगाकर और मैथमेटिक्स लगाकर कैलकुलेशन के माध्यम से उन्होंने इस पहाड़ का, माउंट एवरेस्ट की हाइट निकाली, और विश्व भर में इसका तो बहुत ही ज्यादा नाम फैलने लगा। और उस वक्त उसका नाम माउंट एवरेस्ट नहीं था, हिमालयन पीक 15 था, और तिब्बत के लोग उसे चोंगमुंग मा कहते थे और दार्जिलिंग के लोग उसे दियोदुब्बा कहते थे, पर जो ब्रिटिश थे वो ये उच्चारण ठीक तरह कर नहीं पा रहे थे, तो वो उसे दूसरा नाम देना चाहते थे। और सर एंड्रू वॉक ने सोचा कि उनके पहले जो उनके प्रेडिसेसर रह चुके हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिन्होंने इसमें फाउंडेशनल काम की थी, तो उन्होंने सोचा कि उनके ऑनर में इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा जाए, और सभी को ये बात बहुत पसंद आई। दुनिया भर में ये बात फैल गई और पूरे 100 ईयर्स यही कैलकुलेशन को सही कैलकुलेशन माना गया।
जब तेंजिंग और हिलारी ने माउंटेन को क्लाइम किया और उनकी वो जो रीडिंग्स लाए, उन रीडिंग के माध्यम में जब फाइनल कैलकुलेशन निकला वो था 29029 फीट, केवल 27 फीट का फर्क था एक्चुअल क्लाइंबिंग और राधानाथ सिद्धार्थ जी के मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। तो ये जो बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन थे, इनका नाम आज सब कोई भूल गए हैं। राधानाथ सिद्धार्थ जी को याद करने के लिए, ये हम भारत की याददाश्त ताजा करने के लिए भारत सरकार ने उनके नाम पे एक स्टैंप भी निकाला है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप माउंट एवरेस्ट के बारे में सोचो, एक सलाम राधानाथ सिद्धार्थ जी को जरूर करना। उनकी बात हम सब आज भूल गए हैं, पर महान भारतीयों में, ग्रेट मैथमेटिशियंस में उनका बहुत ही सीनियर पोजिशन है।